हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि सीटी के लिए मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगी। सीटी सीरीज़ में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, आप बोल सकते हैं। सीटी भी एक टाइप का एग्ज़ाम है, तो इन क्वेश्चंस से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप एग्ज़ाम में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा। आपने इन क्वेश्चंस के डिफरेंट वेराइटीज़ और की है, पर ये कुछ अलग वेराइटी है या टाइप दूसरा है जो आपने कभी नहीं किया है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके। मैं क्वेश्चन वन से स्टार्ट करती हूँ। आपको हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा छोटा होगा तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, उसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा एलैबोरेट नहीं करूँगी ज़्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख के रखा हुआ है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिख रहा होगा, यहाँ वैल्यूज़ पे दिख रही होंगी। आप कॉपी लेके साथ में बैठेंगे, कहीं कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है, आप एज इट इज़ मेरे जैसा सॉल्व करेंगे। सो हियर इज़ माई क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट इट इज़ एन अरेंजमेंट, जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रिंग का कॉम्पोजिशन दिख रहा है। दो स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, स्ट्रिंग का नाम है बी सी एंड सी ए, जहाँ से एक लाइट लगी हुई है जो कि 15 न्यूटन की है, और एक एंगल बना रहा है बी पॉइंट पे 45 और ए पॉइंट पे 60। अब क्या है, इस स्ट्रिंग का मुझे कहीं ना कहीं ये जो बी सी है और सी ए है, इसमें टेंशन मेंबर लग रहा होगा। स्ट्रिंग है तो जैसे कि स्ट्रिंग जब भी होता है, स्ट्रिंग केबल वायर, उसमें हमेशा टेंशन मेंबर होता है। तो मैं क्या एग्ज्यूम करूँगी यहाँ पे कि ये दोनों जो आपके लगे हुए हैं वायर्स, वो टेंशन मेंबर्स है, और ये एक लोड है 15 न्यूटन का, एंगल आपको दिया गया है। इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो कैसा दिखेगा। सिंपल 15 न्यूटन आपको दिख रहा है, 15 न्यूटन का लोड मैंने लगा दिया है। यहाँ पर आपको टेंशन मेंबर एसी, टेंशन मेंबर एसी दिख रहा है। एसी का देखो वहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। मैं क्या करूँगी, इस डायग्राम पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूँ। इस डायग्राम पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 60। तो अगर ये 60 हो गया तो मैं क्या बोल सकती हूँ, टेंशन एसी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। अब ये 45 कैसे बना रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर 45 बन रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस लाइट से एक नॉर्मल ऊपर ले सकती हूँ, क्योंकि लाइट तो सीधी एक्ट कर रही है। अगर ये 45 बना रहा है तो ये कितना बनाएगा 45 डिग्री। कैसे बनाएगा 45 डिग्री भाई, एक जेड बन रहा है, सॉरी ये आपका 45 डिग्री, ठीक, यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ये 45 डिग्री। अगर ये 45 होगा तो क्या होगा, ये भी 45 का होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक परपेंडिकुलर है, ये आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और ये नॉर्मल वर्टिकल, दैट मीन्स ये 90 डिग्री पे होता है, ये 45 तो ये भी 45, इसलिए मैंने लिखा है टेंशन बी सी इज़ 45 डिग्री। कॉम्पोनेंट्स को एज यूजुअल रिजॉल्व कर लिया है। कैसे रिजॉल्व करते हैं कॉम्पोनेंट्स, जहाँ पे आपके जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कॉस, जो उसके ऑपोजिट में है परपेंडिकुलर में वो साइन पे, विद द नेम ऑफ एंगल, ठीक है? ये जो टेंशन है आपके इस कोऑर्डिनेट के अंदर है, इसलिए यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन, अगर ये यहाँ पे होता तो यहाँ कॉस और यहाँ साइन होता। कंपोनेंट रेजोल्यूशन आपको पता है, ये कुछ वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई है जो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से आप लोग देखते हैं, पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ वहाँ उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहीं सामने लिखा हुआ है, ठीक है? आपको फाइंड आउट करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे आप फाइंड आउट क्या करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिखना है यहाँ पे, गिवन तो दिया ही हुआ है, फाइंड करना है टेंशन टी बी सी एंड टी ए सी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब इस फाइंडिंग के बाद आप लोग देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। नॉर्मल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गया है, हमारे पास इक्वेशंस है, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समीशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो, उसी को पिकअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये मेरा यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखना स्टार्ट किया, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। आप भी मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो में क्या हो जाएगा, टी ए सी कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू टी बी सी कॉस 45 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन वन नाम दे सकती हूँ, ठीक। इसमें से मैं टी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, कैसे होगा मेरा, टी बी सी अपॉन कॉस 45 डिग्री वन कॉस 60 डिग्री, ठीक। ये मेरा टी ए सी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया।
मैं क्या करूँगी, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। समेशन एफ वाई में मेरे पास है टी बी सी साइन 45 डिग्री प्लस टी ए सी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 15, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। ये मेरा हो गया इक्वेशन टू। ठीक, और कुछ बचा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बचा है। अब मैं क्या करूँगी, इस टी ए सी की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ। कैसे रिप्लेस करूँगी, लिख देती हूँ, रिप्लेस वैल्यू ऑफ टी ए सी इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में रिप्लेस करेंगे तो टी बी सी साइन 45 डिग्री प्लस टी बी सी, टी बी सी और क्या है ये भाई, कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री। कैसे हुआ, आप समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक, अब मुझे क्या करना है, टी बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ से टी बी सी को क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी। कॉमन ले सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरा आ जाएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू देख लो क्या है, 1/√2 प्लस यहाँ से क्या हो सकता है, कॉस 45। कॉस 45 मीन्स 1/√2 और ये आपका टेन 60। टेन 60 की वैल्यू है √3 इक्वल्स टू 15। सिंपल। अब क्या करना है मुझे, इसको सॉर्ट आउट करना है। टी बी सी इसको करेंगे तो क्या होगा, मैं लिख सकती हूँ √2 1+√3 ऐसा लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 15। अब मेरा टी बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं भाई 15 × अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं करते, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट करेंगे तो 15 upon (√3/√2)। ठीक, इसको किया तो आगे जाके क्या आएगा मेरा, टी बी सी इक्वल्स टू 15 √2/1+√3, जिससे मेरी टी बी सी की वैल्यू जो कि मैंने कैलकुलेट करके रखी है, आप लोग अपने कैलकुलेटर में देख लीजिए। यस, मेरा कहाँ गया, वैल्यू आया है 7.76 न्यूटन। ये क्या आया मेरा, टी बी सी की वैल्यू आई है। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, टी बी सी एंड टी ए सी। अब ये एक वैल्यू तो आ गई है मेरी, मैं क्या करती हूँ इस वैल्यू को पुट अप करूँगी इधर टी ए सी की जगह पे। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, टी बी सी और टी ए सी, तो इसको अगर मैं करती हूँ यहाँ पे पुट अप तो क्या होगा, आगे से देखो ना, मैं रब नहीं कर लूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी बी सी इन इक्वेशन स्टार। तो क्या हो जाएगा, टी ए सी इक्वल्स टू, टी बी सी मतलब 7.76, कॉस 45 क्या है आपका 1/√2 और नीचे है कॉस 60 1/2। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, टी ए सी इक्वल्स टू 7.76 √2 और जिसकी वैल्यू आएगी आपकी, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इनको रब कर देती हूँ, जिसकी वैल्यू आएगी आपकी टी ए सी इक्वल्स टू, ठीक है, ये आएगा 10.98 न्यूटन। इसको मैं बॉक्स में फिलअप कर देती हूँ। ठीक, मेरे दोनों आंसर्स आ गए हैं, एकदम सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, थोड़ा नया था इसलिए मैं आपको बता दी थी। देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो या जिनको पॉज करके देखना हो वो देख सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन को दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं। स्ट्रिंग नॉर्मल आपको निकालना था, एक फिगर दिया था लाइट का, जिससे आपको दो टेंशन स्ट्रिंग का एक कोऑर्डिनेट क्रिएट करना है। आंसर आपका अभी आ जाएगा क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट में इसको बना लिया है। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेंगे पूरे डायग्राम को, FBD बना लिया है, कुछ नहीं है इसलिए मैंने FBD नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के क्वेश्चंस में कोई FBD नहीं बनती है, आपके स्ट्रिंग्स पे यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं लगते हैं आपके, इसलिए कोई FBD नहीं था। मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि एक टेंशन मेंबर है, तो मैं भले एरो बना सकती हूँ ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो उसको मैंने कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स आपका आंसर तो आना ही है। कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद एज यूजुअल हमारे पास ये वाले जो इक्वेशंस होते हैं इक्विलिब्रियम के, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास स्पेस कम था तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइंड दिस एंड दैट। आपको फॉलो करना है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर वन दिस लिखना है, फिर उसके बाद एज इट इज़ जैसे मैंने सॉल्व किया है पूरा सॉल्व करना है। दो इक्वेशन, दो अननोन, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूज़ को बशर्ते सही रखना। यहाँ पे एक वैल्यू मैंने रब कर दिया आंसर लिखने के लिए, उसको ध्यान रखेंगे। चलिए, दो आंसर आपका निकल गया। इसके बाद अगर मैं एग्ज़ाम में लिखती, मेरा प्रोसेस ऐसे ही लिखता, मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही करती, करने के बाद आंसर में क्या करती, मैं लास्ट में आंसर में लिखती कि मेरा वैल्यू है TBC और TAC का दिस एंड दैट, और अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं यहाँ पे TBC और TAC लिख के यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख के ये डायग्राम भी बनाती, तब मुझे पूरे फुल मार्क्स मिलते। 10 नंबर में मार्क्स कटने की कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। अब ये सब चीज़ों पे मैं एक बार थोड़ा सा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक्सप्लेन कर दूँ। हेयर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, जहाँ पे वेयर यू आर सीइंग दैट हेयर इज़ अ लाइट अरेंजमेंट ऑफ 15 न्यूटन विच इज़ एक्टिंग जस्ट डाउनवर्ड। देयर आर टू स्ट्रिंग्स, दैट इज़ BC एंड AC। Strings means that they are tension members and acting at outward directions with making an angle of 45 and 60 degree. Now here, by arrangement of these angles, we can find the interior angles where we have to locate the forces or tension members in a coordinate axis. We are converting this tension members in a simple coordinate axis. This is x-axis and this is y-axis. So let us resolve these forces, tension members, that's why we are resolving it in outward direction. Now let us resolve this outward direction forces in the components, like where they are making angle with the line. At that line we are putting that value as cos, and thus perpendicular to that in the same quadrant, that is we are putting sine value, sine and whatever will be the theta or the angle. Now after resolution you can use that there are two equations of equilibrium, that is at x-axis the forces should be zero and at y-axis the forces should be zero. By putting it in all equations you have to substitute the value of one with the another and just get the value of 2, which we are required as our answer. And at last what you will do, you will put that answer in the diagram so that everybody could know that the here tension strings which we have to find out having the value this much and that much. That means at answer you have to write these two values plus this diagram with having the values of these two tension strings. Okay, that's it for your this question and for today also. At next video I will be meeting you with the next questions. I think I am having at least 12 to 15 questions in my series. आई जस्ट होप कि आप लोग सब लोग अच्छे से देखेंगे 15 क्वेश्चंस को, और 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और CT के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। आपके नोट्स मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि थोड़ा शॉर्ट टाइम था, दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, इन वीडियोस के इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से फॉलो अप करना है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।